नमस्कार, आप देख रहे हैं आनंद टीवी। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। बड़ी खबर है, धारा 370 हटा दी गई है, राष्ट्रपति ने मंजूरी भी दे दी है। पब्लिक रिएक्शंस क्या है, चलिए पब्लिक से ही जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त लोग मौजूद हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि वो किस तरह से इस खबर को देखते हैं। इस देश में ये बहुत जरूरी थी, क्योंकि धारा 370 से कश्मीर का डेवलपमेंट रुक रहा था। हमारे देश का इतना रेवेन्यू उस पर लॉस होता है, हमारे इतने ट्रूप्स वहाँ पे लगते हैं जो रोज पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं, इतने लाखों करोड़ों का नुकसान इतने सालों से लगातार हो रहा। 370 तो बहुत कंपल्सन था कि हटाना ही हटाना था। बीजेपी गवर्नमेंट को इतनी मेजोरिटी शायद पब्लिक ने इसलिए भी दी थी कि इनको इतना रिएक्शन देना जरूरी था। अगर 15 अगस्त से पहले प्रधानमंत्री अनाउंस नहीं करते शायद कहीं ना कहीं डाउन पे जाते। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है सर कि डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है, कश्मीर के लोगों को ही नहीं पता है और धारा हटा दी गई। डेमोक्रेसी का कोई गला नहीं होता है, नियत और नीति बीजेपी सरकार के बहुत साफ है। कांग्रेस चाहती तो पहले से भी यह हो सकता है। धारा 370 आर्टिकल 35 जो हटा है, बहुत ये गलती थी जवाहरलाल नेहरू के समय की जो आप सुधार गलत नहीं, इसकी नीति गलत तो नीति ही नहीं थी उनकी। नीति तो केवल उनको अपने 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 कांग्रेस पार्टी की नीयत को जाना, परिवार को कहाँ से लाया गया, उसी के चक्कर में बर्बाद हो गया है देश। बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि वहाँ पे हमारा देश का हिस्सा होते हुए भी हम लोग वहाँ पर अपना कोई अधिकार नहीं जता सकते थे, तो आज हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई है और हमारा मोदी जिंदाबाद। और देखिए सबकी अपनी अपनी सोच है, कोई कुछ सोचता है, आपकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, जो हुआ है वो बस। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कश्मीर की जनता चाहती है बदलाव, नहीं क्या वहाँ नहीं पूछा ना किसी से, नहीं पूछा, जबरदस्ती का लट्ठा है, लट्ठा गाड़ दिया। लोकतंत्र लट्ठे से नहीं चलता, ये उसी धरने पर जा रहे 5000 साल वाले पे लट्ठे के जोर पे। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। देखा लोगों का रिएक्शन, लोग जो है बहुत खुश है, कश्मीर हमारा है, भारत माता की जय। हाँ, कुछ लोग जरूर है जो सवाल उठा रहे हैं कि डेमोक्रेसी का गला घोटा गया। अब देखने वाली बात होगी, जैसे इतिहास में कुछ गलतियां हुई थी जिसके सुधार के बाद बीजेपी कह रही है, तो अब ये डिसीजन बीजेपी का कैसा हुआ ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन राजीव के साथ मैं श्वेता भट्टाचार्य।